नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हूँ मैं सुजीत, में स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 90 गज का 3 BHK लग्जरियस फ्लोर। इस फ्लोर की बात करूँ तो ये द्वारका मोड़ से 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस पर रहने वाला है। और इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सराउंडिंग में पूरी मार्केट मिलती है, और आपको स्कूल वगैरह सारे नियर अबाउट मिल जाते हैं। वाटर कनेक्शन वगैरह, गैस पाइपलाइन वगैरह सब कुछ अवेलेबल मिलती है। सीवर कनेक्शन वगैरह है, और रोड 20 फुट की रोड आपको फ्रंट में मिलती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपका फ्लोर। तो आ चुके हैं हम अपने फ्लोर पे। फ्लोर दिखाने से पहले मैं दिखाता हूँ, ये 150 गज की बिल्डिंग है। इसमें एक यूनिट आपको बैक साइड में मिलती है 60 गज की 2 BHK की, फ्रंट में मिलती है 90 गज की 3 BHK की। तो दिखा दीजिए मैं पीछे 60 गज की कैसे मिलती है। और यहाँ आपको सेंटर में लिफ्ट मिल जाती है। इसके स्पेस की बात करूं तो ये 14 बाई 15 का ड्राइंग रूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। काफी स्पेसियस ड्राइंग रूम है, और इसमें काफी खूबसूरत फ्लोर सीलिंग कर रखी है। येलो कलर की LED लाइट्स और व्हाइट कलर की कॉप लाइट लगा रखी है इसमें। दिखा दीजिए। आपको ड्राइंग रूम के अंदर ही आपको काफी बड़ा बिग साइज का LED पैनल मिल जाता है, ग्रे वुडन शेडेड और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। और साथ में इसमें डिजाइन दिए हैं डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए, दिखा रखी है आपको कैसे आप डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं। और नीचे आपको 3 ड्रॉर्स मिल जाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है, आपके बिग साइज की LED कोई सी भी LED आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इजीली आ जाती है। और सोफा सीटिंग की बात करें तो इजीली आपका सोफा सीटिंग हो जाता है यहाँ पे L टाइप का। और पीछे मेरे आपको पूरा L टाइप का 3D वॉलपेपर लगा हुआ है, काफी ब्लू कलर और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन के साथ, मल्टी कलर कॉम्बिनेशन के साथ वॉलपेपर मिलता है आपको। और कॉर्नर पे गोल्डन कॉपर ग्लास का काम कर रखा है, काफी खूबसूरत देख सकते हैं आप। और यहीं पे आपको स्प्लिट AC की फिटिंग मिल जाती है, करवा के दी गई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में AC लगाने में। और इधर आप अपना साइड में एक तरफ अपना सोफा सेटिंग बना सकते हैं, दूसरी तरफ डाइनिंग स्पेस, छोटा डाइनिंग टेबल भी, 4 सीटिंग का डाइनिंग टेबल भी इजीली आ जाता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसका फर्स्ट बेडरूम। आ जाइए मेरे साथ। इस बेडरूम की बात करूं तो ये भी 10 बाई 12 का काफी स्पेसियस बेडरूम है, इजीली आप कहीं पे भी बेड लगा सकते हैं, इधर भी या इधर भी। और यहाँ कॉर्नर पे आपको विंडो दी है वेंटिलेशन के लिए। और मेरे पीछे आपको काफी खूबसूरत 3D वॉलपेपर मिलता है, देख लीजिए। और ऊपर सेम कॉप लाइट का और येलो LED लाइट्स का काम करता है 4 सीलिंग में, काफी खूबसूरत। और इधर सामने वॉल पे आपको LED पैनल मिल जाता है काफी बिग साइज का, इसमें भी ब्राउन और व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे हमने बाहर दिखाया था डेकोरेटिव आइटम्स रखने के लिए, इसमें भी आप डेकोरेटिव आइटम्स लगा सकते हैं ऊपर भी और यहाँ पर भी। और इसमें 4 ड्रॉर्स मिल जाते हैं आपको काफी स्टोरेज सामान रखने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, काफी सामान आपका इसमें भी आ जाएगा। और LED पैनल इतना बड़ा है कि आप बिग साइज की LED इसमें भी लगा सकते हैं। आज ये मैं दिखाता हूँ आपको इसका टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट बाथ।
एल टाइप का टॉयलेट कॉमन बात है, और ग्रे शेडेड काफी खूबसूरत टाइल इसमें लगा के दी हुई है आपको। सामने ही आपको टॉयलेट शीट का प्रोविजन दिया हुआ है, टॉयलेट शीट लगा के दी हुई है, और इसके ऊपर ही आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है। और छत में काफी अच्छी कॉपलाइट का काम कर रखा है, दिखा दीजिए। और इधर आपको साइड में वॉश बेसिन मिल जाता है कॉर्नर में, उसके ऊपर ही गीजर का पॉइंट मिल जाता है, आप गीजर लगा सकते हैं। और साइड इसके गीजर के साथ ही शावर का पॉइंट मिल जाता है, यहाँ से आपका शावर मिल जाता है आपको। और नीचे टैप्स और टूटियाँ काफी अच्छी क्वालिटी की दी हुई है। चलिए आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको इसकी किचन। काफी बिग साइज की किचन रहने वाली है, 8.5 बाई 8.5 की, ग्रे और व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ काफी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन। हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन काफी प्यारा हो। और टाइल्स की बात करें तो वो भी वुडन की, जैसा वुडन का कलर है उसी के कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए टाइल्स का भी काम कराया गया है। व्हाइट कलर की 2x2 की बड़ी टाइल्स इसमें लगाई गई है वॉल्स पे भी, और बीच में ग्रे कलर का और सिल्वर कलर का पैटर्न दिया हुआ है बॉर्डर का। यहाँ आपको चिमनी लगा के दी जाएगी, बीच में चिमनी का पॉइंट है। और इधर आपको फ्रिज के लिए पॉइंट मिल जाता है आपका, मतलब इतना स्पेसियस किचन है कि आपके साइड में ही फ्रिज आ जाएगा यहाँ पे इजीली। चलिए ये देख लीजिए अपनी स्टोरेज, काफी बड़ा साइज है स्टोरेज के लिए, बहुत बड़ी किचन है इसकी। और इधर साइड में आपको सिंक मिल जाता है, इसके ऊपर ही आपको आरओ वगैरह लगाने के लिए पॉइंट मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है। नीचे पूरा मॉडलर किचन का कटलेट वगैरह के लिए दिए हैं। आज ये मैं दिखाता हूँ आपको इसका सेकंड बेडरूम। आज ये मेरे साथ इस बेडरूम की बात करूं तो इस बेडरूम का भी काफी स्पेसियस है। इस साइज के साइज की बात करूं तो 10x11 का इसका भी साइज मिल जाता है आपको। और छत में काफी खूबसूरत फ्लोर सीलिंग करा के दी हुई है, दिखा दीजिए। मैं येलो कलर की एलईडी लाइट लगाई हुई है, और कॉपलाइट व्हाइट कलर की लगाई हुई है होम कलर की। और कॉर्नर पे आपको अलमीरा का अलमीरा मिल जाती है, यहाँ पे काफी स्पेसियस अलमीरा है। ये ड्रॉर मिल जाता है इसमें, और नीचे दोनों तरफ स्पेस मिल जाता है स्टोरेज के लिए। ऊपर भी पूरा स्टोरेज के लिए पूरी 9 फुट की अलमीरा है, 9x3 की है, काफी स्पेसियस। और इधर आपको विंडो मिल जाती है, आप अपना विंडो एसी वगैरह यहाँ लगा सकते हैं इजीली। और डोर्स की बात करूं तो रॉयल साइज डोर है, 8 फिट 8x3 के डोर दिए हुए हैं, काफी स्पेसियस डोर है, काफी खूबसूरत और बड़े डोर है। आज ये बालकनी की बात करूं तो 3 फिट की बालकनी मिलती है आपको, इसमें भी पूरी रूफ लेवल तक टाइल्स दी हुई है ताकि सीलन वगैरह ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो सीलन वगैरह की, फ्यूचर में भी लाइफ टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होती। फ्रंट में भी स्टील की रेलिंग आपको फ्रंट में मिल जाती है SS की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। और इधर कॉर्नर पे ही बालकनी में आपको टैप्स मिल जाती है, जहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी कॉर्नर में कट करके दिया हुआ है, यहाँ पे अपनी वॉशिंग वगैरह लगा के यही कपड़े वॉश वगैरह कर सकते हैं और यही सुखा सकते हैं। आ जाइए मेरे साथ गले की चलता है इसके थर्ड बेडरूम, और जो आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। इस बेडरूम की बात करो तो ये भी काफी बिग साइज का बेडरूम है, 12x10 का बेडरूम ये आपको मिलता है। और इसमें कॉर्नर में आपको अलमीरा मिलती है 6x8 की, काफी स्पेसियस अलमीरा है। ऊपर ड्रॉर्स मिल जाते हैं आपको स्टोरेज के लिए, और फोर सीलिंग काफी प्यारी करा रखी है सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ, दिखा दीजिए।
मेरे पीछे ही आपको काफी खूबसूरत वॉलपेपर मिल जाते हैं। और इस मास्टर बेडरूम में भी काफी बिग साइज का एलईडी पैनल मिल जाता है हमें व्हाइट और ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ। नीचे स्टोरेज मिल जाती है, काफी काफी बिग साइज की स्टोरेज है, इसमें बहुत सारा सामान आपका आ सकता है। यहाँ आप अपने डेकोरेटिव आइटम साइड में लगा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, बीच में आपका सेटर बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपकी बिग साइज की एलईडी इजीली आ जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती किसी तरह की। और काफी खूबसूरत एलईडी पैनल है ये आपका। और यहाँ कॉर्नर में आपको विंडो मिल जाती है, ऊपर आप अपना विंडो एसी वगैरह इजीली प्लेस कर सकते हैं। और नीचे एक तरफ ग्लास की और अंदर जाली की वो दे रखी है ताकि आप ग्लास के अंदर खोल भी देते तो एयर वगैरह इजीली आ जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट बाथ। हाँ जी, इस मास्टर बेडरूम के अटैच टॉयलेट बाथ की बात करूँ तो काफी स्पेशियस टॉयलेट बाथ ये भी रहने वाला है और काफी खूबसूरत टाइल इसमें भी रूफ लेवल तक लगाई हुई है। ऊपर फोर सीलिंग करा रखी है काफी प्यारी। इसमें भी कॉर्नर में आपको टॉयलेट सीट मिल जाती है और ऊपर शावर मिल जाता है और इधर वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है और विंडो के नीचे ही आपको गीजर के लिए पॉइंट मिल जाता है और यहाँ टैप से टूटियाँ आपको मिल जाती है और इधर कॉर्नर में वॉश बेसिन मिल जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो देखने के लिए आपको मौका मिल सके। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हर वीडियो का ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। धन्यवाद।